Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। आज हम लोग देख रहे स्कंद पांचवा के सॉरी स्कंद दूसरा के चौथा अध्याय का 14वां श्लोक। प्रेम सखा गौरांग प्रभु जी, स्वरूप यमुना माता जी, धन्यवाद, आपने इतना सुंदर भजन किया था, बहुत अच्छा लगा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ये श्लोक शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रभु जी माता जी, ये श्लोक मैं अपने शुद्धिकरण के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे से अगर कुछ त्रुटि हो गई तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। ये श्लोक का जो भी जो नॉलेज है या जो भी ज्ञान है, मैंने शुभ कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर में से थोड़ा सा लिया था, प्रभुपाद जी के लेक्चर में से थोड़ा सा लिया था, फिर वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। नमो नमस्ते स्व ऋषभाय स्वात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कोयुगिताम निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्ट respectful obeisances unto him who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. थोड़ा इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के सगी है और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता है, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने काम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर जो प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य दिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम लोग बाद में ले लेते हैं। और जो शुभ कृष्ण प्रभु जी ने जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो उन्होंने इसको एनालाइज किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग अगर जो पहली लाइन को अगर हम लोग देख लेते
सॉरी, यहाँ पे वो पहली लाइन क्या, नमो नमस्ते स्व ऋषभाय सात्वताम। तो ये हम लोग जब देखते हैं तो ऋषभाय मतलब क्या कि जो यदुवंशी में, जो ऋषभ मतलब सर्वे सर्वश्रेष्ठ ऐसे, तो यदुवंशी में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो श्री कृष्ण है। तो उनको वहां पे उन्होंने किया नमो नमस्ते। तो हम लोग अगर फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो हम लोग को द्वारका की याद आती है। फिर हम लोग अगर दूसरा देखते हैं तो विदुर काष्ठा है मुहु कुयोगी नाम। तो ये कुयोगी नाम जो है उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को शिशुपाल की याद आती है। तीसरी लाइन जो है कि हम लोग बोलते हैं कि निरस्त साम्य अतिशय न राधसा, तो अगर वो हम लोग देखते तो हम लोग को वैकुंठ की याद आती है। और यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो नमः नमस्ते, तो ये जो यूज किया है नमो नमस्ते, तो वो ऐसा है नमो नमः ते, नमो नमः ते। तो उसमें वो जो ते जो है वो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम लोग जो फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर हम लोग जो बोलते हैं ना कि किसी के बारे में बात करना वो थर्ड पर्सन होता है, किसी से डायरेक्ट बात करना वो सेकंड पर्सन होता है, और मैं खुद फर्स्ट पर्सन हूँ। तो हम लोग जब किसी से बात करते हैं, डायरेक्टली बात करना रहता है, तो उसमें एक अलग पर्सनल अप्रोच रहता है। मैं किसी के बारे में अगर बात करूंगा तो उसमें थोड़ा सा थर्ड पर्सन अप्रोच होता है, तो फिर उसमें उतना ये नहीं होता है, मतलब बोलते हैं ना पर्सनल टच नहीं रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नमो नमः ते, तो नमो नमः ते का मीनिंग है कि मैं पर्सनल अप्रोच से मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो भगवान, तो वो भगवान को ही डायरेक्टली बोल रहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे उसके प्रभु जी ने मतलब वही बोला कि जो आपको करके जो है वो सेकेंड पर्सन का अप्रोच होता है, और अगर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मतलब यहाँ पे दिखा रही है उनको, लेकिन ये नमो नमः ते जब बोल रहा है वो आपको, आपको के हिसाब से हम लोग को देखना है कि वो भगवान को डायरेक्टली वो बता रहा है कि मैं भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ पे सात्वत और ऋषभा करके ये जो भक्तों के, भक्तों के पालन करने वाले, भक्तों को जो सुलभ है, अभी थोड़ा सा मतलब ये सेकंड लाइन और हम लोग थर्ड लाइन का इसके ऊपर हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे आगे। विदुर काष्ठा है कुयोगी नाम, और अभी सात्वता ऋषभा है। तो ये जो ऋषभा है सात्वता जो है उसमें हम लोग एक श्लोक देखते हैं जो 8.14 भगवद गीता में भगवान ने बोला कि अनन्य चेतः सततम यो मा स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और अब हम लोग देखते हैं कि आगे की जो विदुर काष्ठा है कुयोगी नाम की, यहाँ पे बोला कि अभक्तों के लिए वो सदैव समस्या बने रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको और थोड़ा एनालाइज करते हैं कि भगवान भक्तों के प्रति इतना प्यार क्यों दिखाते हैं, और जो अभक्त है उनके प्रति वो समस्या क्यों बने। तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे ना, तो भगवान जैसे बोलते हैं कि सुहृद सर्वभूतानां, वो सभी प्राणी मात्रा के सुहृद है, क्लोजेस्ट है, उसके इतना क्लोज फ्रेंड कोई नहीं है, तो फिर वो अभक्तों के लिए समस्या क्यों बने रहते। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, तो थोड़ा सा वो एग्जाम्पल हम लोग एनालाइज करते। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि दो बच्चे है, एक मतलब बाप के दो बच्चे हैं, और वो जो पिताजी जो है वो दोनों बच्चों से उतना ही प्यार करता है, किसी से कम नहीं किसी से ज्यादा नहीं। लेकिन एक बच्चा है ना, वो हर बार पापा 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 पिताजी 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 करते रहते हैं, मैं ये करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मुझे हाथ पकड़ो मैं गिर जाऊंगा ये। और जो दूसरा है वो काइंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट के हिसाब से रहता है कि मैं खुद अपना करूंगा, मैं खुद अपना करूंगा, मैं यहाँ पे अपना पाव रखूंगा तो क्या होता है, मैं वहां पे ये सब करूंगा तो क्या होता है। तो उसमें होता ऐसा है कि पिताजी जो है वो दोनों के लिए अपने हाथ बढ़ा के रहते हैं, लेकिन एक जो बच्चा है जो पिताजी पिताजी करते रहता है, वो हर चीज में पिताजी को पकड़ते रहता है। पिताजी ने हाथ दिया, हाथ पकड़ेंगे, पिताजी ने अगर हाथ नहीं दिया तो उसको उनको कमर को पकड़ के बैठेगा, लेकिन वो क्या करेगा, पिताजी को छोड़ेगा नहीं। और जो दूसरा है वो हर चीज अपने मन से करेगा, अपने मन से। तो इसमें ऐसा होता है कि पिताजी दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन आखिर में पिताजी क्या करते हैं कि जो कंटिन्यूस मेरा नाम लेता है, जो पूरी तरह मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिताजी सोचते हैं कि मेरे को उसको थोड़ा ज्यादा, उसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, उसको मुझे ज्यादा करीब से पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पिताजी कुछ बायस नहीं है, लेकिन पिताजी
उसके सामने हाथ बढ़ाते हैं जो पिताजी के सामने हाथ बढ़ाता है, जिसने पिताजी के सामने, तो अभी वो जो बच्चा है वो कहीं पाव रखने वाला रहेगा, तो पिताजी मैं यहाँ पे पाव रखू, पिताजी बोलेंगे रखो, दूसरा है वो अपने हिसाब रखेगा, पिताजी मैं ये करूं, आप पिताजी बोलेंगे करो या ना करो, तो उनके हिसाब से वो करता रहेगा, और दूसरा जो अपने मन से करता रहेगा, तो जो मन से करता रहेगा उसने गलत जगह पे अगर पाव रखा तो वो गिरने वाला है, क्योंकि उसने पूछा नहीं ना उसने हाथ पकड़ा, और यहाँ पे ये इसने गलत जगह पे पाव भी पकड़ा रहेगा, लेकिन इसने पिताजी को इतना बोलता है ना इतना पावरफुली जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है कि वो उसका पाव फिसल भी गया तो पिताजी उसको गिरने नहीं देते, उसको पकड़ के रखते है। तो ये डिफरेंस है, वो जो लड़का जो है वो अपने मर्जी से करते रहता है, वो गिरने का चांस है, गिरेगा तो फिर उसको लगने का भी चांस है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन जो है उसको लेना पड़ता है, लेकिन जो दूसरा जो पहला जो है जो पिताजी को पकड़ के बैठा रहता है उसको वो रिएक्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि पिताजी उसको गिरने ही नहीं देते, तो ये दोनों के लिए डिफरेंस है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो समस्या बनाए, मतलब वो अभक्तों से प्यार नहीं करते या अभक्तों से भगवान को कोई लगाव नहीं है, भगवान तो सभी से लगाव रखता है, लेकिन वो उसी प्रकार से उस भक्त भक्त के पास आते हैं जिस प्रकार से भक्त उनके पास आता है, वो हम लोग हर बार सुनते हैं कि जिस तरह हम लोग भगवान से प्यार करेंगे भगवान हमको उसी तरह प्यार करेंगे। तो यहाँ पे फिर वो विदुर काष्ठा है कि कुयोगी नाम के लिए अभक्तों जो भगवान को नहीं जानता, अभी हम लोग तो वो नहीं जानता मतलब कैसा रहता है कि कल हम लोग नगर संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे और सब लोगों को मतलब रोक रोक के हम लोग नगर संकीर्तन भी हो रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लोगों को हम लोग रोक रोक के पूछ पूछ के बता रहे थे, तभी मन में ख्याल आ गया जैसे प्रभुपाद जी हर बार बोलते कि हम लोग डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हम लोग को मालूम रहता है हम बीमार है, बीमार है उसके लिए हम लोग बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर पास जाते हैं, अगर हम लोग बीमार नहीं है तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अगर हम मुझे कोई बोलेगा अरे तुझे बहुत बुखार है तू दवाई ले, तो मैं अगर मानता नहीं हूँ मुझे बुखार है तो मैं दवाई नहीं लूंगा, तो इस तरह से यहाँ पे लोग है कि हम लोग उनको बोलते हैं कि प्लीज किताब ले लो प्लीज किताब ले लो, तो लेकिन वो जानते हैं कि वो बीमार नहीं है उसके लिए वो किताब लेते नहीं है, तो वो बीमार होने के बावजूद वो बीमार नहीं है उस मतलब उनका वो सोच रहता है, तो सोच में वो किताब लेने का सोचते नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं कि और फिर बाद में आगे चल के प्रभुपाद जी ने जैसा हम लोग को बोला कि हम लोग को कैसा है स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है, अभी ये जो भक्त है मतलब वो जो लड़का है जो पिताजी को पकड़ के बैठा है और जो दूसरा लड़का है जो पिताजी को मतलब इंडिपेंडेंटली रहने का सोच रहा है, उनमें डिफरेंस ऐसा है कि ये जो लड़का उसको पिताजी के प्रति इतना विश्वास क्यों हो गया, क्योंकि उसने वो एक बिलीफ एक फेथ रखा है कि पिताजी जो है वो मेरे पालन करता है, मेरे वही जो है वो मेरा संरक्षक है और यही मेरे काइंड ऑफ मेरे मतलब बोलते हैं ना हम लोग पोषण करता है पालन करता है उस टाइप के पिताजी है, तो उसके पे वो पिताजी के बिलीव करता है, तो एक्चुअली देखेंगे तो एंटायर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड फेथ, पूरा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया की उसमें बिलीफ और अगर फेथ नहीं रहेगा तो ये ह्यूमन जो इंसान है वो जी ही नहीं पाएगा, तो फेथ और बिलीफ ये अपने पास होना चाहिए, तो फेथ और बिलीफ किस पे होना चाहिए तो ट्रूथ के ऊपर फेथ और बिलीफ, तो ये जो लड़का जो है उसने भी फेथ और बिलीफ रखा है, तो उसने किस पे फेथ और बिलीफ रखा है, एक ने पिताजी पे रखा है और दूसरे अपने आप पे रखा है, अपने आप पे जो उसने बिलीफ और फेथ रखा है उसने शायद कहीं तो पढ़ा रहेगा कि भगवान वगैरह नहीं रहता है हम लोग उनसे ये करना नहीं चाहिए, तो ये कहीं उसने पढ़ा है, तो जो वहां पे उसने पढ़ा है उस पे उसने बिलीफ रखा, और यहाँ पे जो लड़के ने भगवान पे भरोसा रखा है पिताजी पे भरोसा रखा है उसने भी कहीं पढ़ा है कि भगवान होते हैं भगवान पे भरोसा रखना है, तो इसने सही पढ़ा और उसने बिलीफ और फेथ रखा, उसने भी कुछ गलत पढ़ा उस पे बिलीफ और फेथ रखा, तो प्रभुपाद जी हम लोग को बोलते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली हम लोग को किताबें पढ़ना है, तो स्क्रूटिनाइजिंगली किताब पढ़ना है मतलब क्या कि प्रभुपाद जी ने मेरे को ये बताया ये गलत है, वैसा मतलब नहीं है, प्रभुपाद जी ने मुझे बताया ये समझा नहीं, मुझे गुरु से सीखना पड़ेगा, शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से या जो बड़े आचार्य है वरिष्ठ आचार्य से उनके मेरे को ये समझना पड़ेगा, उसको स्क्रूटिनाइजिंगली बोलते हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब जैसे भगवद गीता पे आज तक बहुत लोग आते हैं और खुद के मर्जी से भगवद गीता पे ये करते रहते हैं, वो अपने आप को समझते कि
उनको भगवान से ज्यादा मालूम है, तो उसके लिए ये गलत है ये सही है करके वो डिसाइड करते रहते हैं। बीच में मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा था, उसमें किसी ने फॉरवर्ड किया था कि वन लाइनर गीता, तो उस जो ऑथर है उसने क्या कहा था कि हर अध्याय का सिंगल लाइन उसने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो 18 लाइन में पूरी भगवद गीता हो रही थी। तो वो मतलब जिसने मुझे भेजा था, जिसने वो ग्रुप पे भेजा था, वो इतना मतलब खुश हो गया था कि प्लीज सबको भेजो, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, हमारा धर्म हमको जान लेना चाहिए। तभी मैंने उसको पूछा कि आप भगवद गीता कब बोली गई थी, उसके बारे में थोड़ा भी सोचा है? युद्ध हो रहा था, जस्ट चालू हो गया था, शंख बज गए थे, किसी भी क्षण बाण निकलने वाला था। तो ऐसे मौके के घड़ी में जब भगवान श्री कृष्ण को 700 श्लोक बता रहे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोक बता रहे, तो वो क्या हवा पानी का चर्चा बता रहे थे या कुछ टाइम पास बता रहे थे? तो हमारी भी योग्यता इतनी आ रही है कि हम लोग भगवान ने उसको जो बताया उसमें से हम लोग कट कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग को ये इतनी भी सोच नहीं कि हाँ भगवद गीता पे आप बिलीफ है, तो भगवत गीता भी बिलीफ वैसे के वैसे रखो, किसी और ने उसको ट्रांसलेट किया है, किसी और ने उसके बारे में कुछ लिखा, तो वो बिलीफ का मतलब नहीं है, वो गलत बिलीफ है। तो वो दूसरे लड़के के जैसा हो गया कि गलत बिलीफ पे रखा है। तो प्रभुपाद जी हम लोग बोलते हैं कि गुरु शास्त्र मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज एक ही चीज जब बोलेंगे तो समझ लेना कि वो सही है। ये तीनों चीज अगर अलग अलग बता रहे हो तो डेफिनेटली इसमें से कोई तो गलत बता रहा है। तो मतलब या तो हम लोग गलत शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर गलत शास्त्र पढ़ रहे हैं तो गुरु सही बता रहा है, अगर गुरु गलत बता रहे शास्त्र सही है तो ये गुरु गलत बता रहा है, तो ये डेफिनेटली फिर परंपरा से आया गुरु नहीं है। तो ये हम लोग को पूरी तरह से प्रॉपरली जान लेना है कि या तो हम लोग को गुरु मतलब गुरु शास्त्र ये दोनों चीज एक ही बात बताना चाहिए, और वो एक ही बात बता रहे तो 100% वो सही है। और यहाँ पे हम लोग अगर वो दूसरे लड़के का देख रहे हैं तो जो उसने गलत चीज पढ़ा है और उसपे बिलीफ और फेथ रखा है, और उसके लिए वो गलत मतलब एक गलत धारणा बन के वो गलतियां करते जा रहा है। तो इस पे हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं कि इससे ऐसा लगता है कि भगवान में विषमता है, जैसे हम लोग ने बात किया तो भक्तों के लिए वो सुलभ है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो महाभारत में हम लोग ने देखा था कि महाभारत में भक्त कृष्ण को तो सब लोग देख रहे थे, दुर्योधन भी देख रहा था, अर्जुन भी देख रहा था, कौरव भी देख रहे थे, पांडव भी देख रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि दुर्योधन ने कृष्ण को सिर्फ ग्वाला के रूप में देखा और अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में देखा। तो इसमें डिफरेंस ये रहा था कि एक उसको ग्वाला समझ रहा था, एक उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ रहा था, और दूसरा जो है उसको प्रॉपर भगवान समझ रहा था, परम पुरुष भगवान समझ रहा था। तो उसके लिए दोनों ने उसी को देखा, लेकिन दोनों ने अलग अलग अप्रोच लिया, दोनों ने अलग भक्ति और बिलीफ और फेथ रखा। दुर्योधन को जो बिलीफ फेथ था वो शकुनी के और बाकी के उसके जो कुसंगत थी उनके वजह से उसने एक बिलीफ फेथ बनाया, और जो अर्जुन ने था कि वो पांडव जो शुद्ध भक्त थे उनके बिलीफ और फेथ उन्होंने उनसे सीख के वो बिलीफ और फेथ बनाए कि शुद्ध भक्त का बिलीफ और फेथ। तो इसके लिए उन्होंने भगवान को भगवान के तरफ देखा और दुर्योधन ने भगवान को एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखा। तो यहाँ पे और चीज शुभ कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि उल्लू जो रहता है ना, उल्लू को सूरज मालूम नहीं रहता है, उसने कभी सूर्य को देखा नहीं रहता है। तो ये जो हम लोग जो अभक्त लोग देख रहे हैं, जो जिसने कभी भगवान के बारे में पढ़ा नहीं है, जो भगवान को मानना नहीं चाहते, अगर पढ़ेंगे तो भी मानना नहीं चाहते, तो ये जो लोग हैं उनका प्रभु जी ने उनका थोड़ा उस पर एक उल्लू की उन्होंने स्टोरी बताई थी, वो जो स्टोरी मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहे थे कि एक हंस रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो बीच में अंधेरा हो जाता है, तो एक पेड़ पे वो सहारा लेता है, बोलता है कि मैं आज जो रात है वो इस पेड़ पे निकालूंगा और दूसरे दिन सुबह फिर वो मानसरोवर के लिए निकल जाऊंगा, ऐसा उसका ये रहता है। तो वो हंस वहां पे रहता है, तो जैसी पूरी रात हो जाती है तो वहां पे उल्लू आ जाते हैं, और उल्लू उसके पेड़ तू कौन है, तू कौन है, तू यहाँ पे क्यों आया, तेरा क्या यहाँ पे काम है, तू कौन है, भाग यहाँ से, तू यहाँ नहीं रह सकता है, वगैरह वगैरह ऐसे उससे बात कर रहे थे, भगा भी रहते थे कोई लोग, कोई उससे बात कर रहे थे। तो बोलते हैं मेरा नाम हंस है, तो बोला तू कौन है हंस, हंस मतलब क्या रहता है, ये हंस क्या है, तो बोलते हैं कि मैं मानसरोवर रहता हूँ, कल जब सूरज आ जाएगा, सूरज उगेगा और दिन निकल आ जाएगा, तब मैं चला जाऊंगा।
तो फिर सब उल्लू हंसने लगते हैं, हा, सूरज क्या रहता है, सूरज ऐसा थोड़ी ना रहता है, मतलब सूरज नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है, सूरज रहता ही नहीं है, तुम कुछ गलत बात कर रहे हो, भागो यहाँ से करके। तो यहाँ पे मतलब जो उल्लू है उन्होंने कभी सूरज को देखा नहीं, तो उनको लगता है सूरज रहता नहीं, वो सूरज को देख ही नहीं पाते। तो यहाँ पे प्रभु मतलब प्रभु जी ने वो उल्लू की वो जो काइंड ऑफ तुलना है वो उन्होंने अभक्तों के साथ की है। तो इस प्रकार बोलते भगवान को का जो महिमा है वो सभी शास्त्रों में लिखी मतलब लिखा गया है, लेकिन अभक्त जो है वो उसको देखना नहीं चाहते या देखते नहीं है, और वो फिर विश्वास ही नहीं करता। तो इनके जो उनका जो कैसा है कि ये जो रसगुल्ले की तरह जो है वो भक्ति जगत में वो डूबे, मतलब एक रसगुल्ला जैसा बोलते हैं ना कि हम लोग वो रस में डूबा हुआ होता है, वो मीठापन लेता है, जिसमें वो डूबेगा उसका वो ये लेता है, अगर मीठे इसमें डूबेगा तो मीठापन लेगा, गलत चीज में उड़ेगा तो मतलब नमकीन इसमें डालेगा तो नमक का वो स्वाद लेगा। तो ये रसगुल्ला इस तरह प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत में डूबे हुए रसगुल्ला की तरह है, कि वो भौतिक जगत से इतना आकर्षित है कि उनको ये जो आध्यात्मिक चीज है वो उनको दिखती ही नहीं है, उसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है, और फिर वो उनको देखना भी नहीं चाहते, उसी तरह वो पूरे आसक्त हो जाती है उसी भौतिक चीजों में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में। तो उनको लगता है कि यही लाइफ है, फिर बोलता है ना कि लाइफ लिव ओनली वंस करके एक नया अभी काफी यू ओनली लिव वंस या यू लिव ओनली वंस यू लो करके कुछ है काफी जगह पे, ये हो रहा है कि ये जो लोग है वो उनको लगता है कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो फिर वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे मूवीज को हिट करते हैं। तो ये उन लोग ये जानते नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा है इसमें कर्म फल और ये सब चीजों पे उनको कभी विश्वास रहता नहीं है, तो फिर वो उसके लिए वो गलत चीजों में आसक्त हो जाते, भौतिक चीजों में आसक्त हो जाते। प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने दो चुटकुले जो सुनाए थे प्रभु जी ने, वो जस्ट मैं बताने का ट्राई कर रहा था कि प्रभुपाद जी को एक बार एक जो एक आदमी आता है उनके इसमें और उनको बोलता है कि प्रभुपाद जी क्या आपको आप क्या भगवान को देखते हो देख पाते हो? तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं एक काम कर, तू नीचे बैठ, तू बीच में आ रहा है, नीचे बैठ, मेरे सामने भगवान है, तू बीच में आ रहा है, उसके लिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो इंसान चुपचाप बैठ भी जाता है, उसको ये भी नहीं पता चलता कि प्रभुपाद जी उसका मजाक उड़ा रहे। फिर दूसरा जो है वैसे ही वो पूछता कि क्या प्रभु जी आप भगवान को देख पाते हो? तो प्रभुपाद जी उसको आंसर दे कि दिक्कत है कि आप नहीं देख पा रहे हो। तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट आंसर हाँ नहीं बोलते, वो बोलते कि दिक्कत यह है कि आप नहीं देख पा रहे हो। तो इस टाइप का प्रभुपाद जी मतलब वो आंसर दे कि मतलब ये जो अभक्त है वो भगवान को नहीं देख पाते, तो उनको लगता है भगवान नहीं है। तो ये चीजों में हम लोग मतलब हर बार आंसर देने के लिए मन करता है कि हमारा जो जो अपने जो सेंसेस इतने लिमिट है कि आंख है वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के आगे दिखते नहीं, हम लोग का विज्योर का एक रेंज है दिखते दिखने के लिए, जैसे हमारे वैसे ही हमारे जो कान है वो 20 हर्ट्ज के पहले और 20 किलो हर्ट्ज के बाहर का देखने सुन नहीं पाते, वैसे ही हमारे टेस्ट बड्स है वो एक जगह पे अगर तीखे का जगह पे वो मीठा रखेगा तो हम लोग को टेस्ट समझ में नहीं आता, उसको मीठे के जगह पे भी मीठा होना है तभी हम लोग को टेस्ट समझ में आता। तो वैसे ये जो पांचों इंद्रिय हो वो पूरा लिमिटेड है, और ये लिमिटेड सेंसेस से हम लोग लिमिटलेस को जानने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज इन्फिनिटी, वो आदमी कभी समझ ही नहीं पाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एनी फाइनाइट नंबर इज आंसर इज इन्फिनिटी। तो हम लोग अगर लिमिटलेस को विद लिमिटेड सेंसेस जानने का ट्राई करेंगे तो हम लोग कभी जिंदगी में उनको समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि अपनी वो जो लिमिटेड सेंसेस को शास्त्रों में डालना है, शास्त्रों में कहा गया चीजों को मानना है, और वो शास्त्रों में कही गई चीज को अगर हम लोग मानेंगे तो ये अभक्तों की लिस्ट में से अपना नाम निकल सकता है। बाद में यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि निरस्त साम्यतिशय न सरादसा, कि भगवान से किसी की समता नहीं है, मतलब भगवान के लेवल पे कोई नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कि भगवान से बेटर कोई हो सकेगा। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग जब भगवान के ये चीजों की बात करते हैं कि निरस्त साम्य अतिशय न साधसा, तो ये जो जो वर्ड है या फिर ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये उसको इतना हम लोग लाइटली लेते हैं क्योंकि हम लोग को उस चीज की जानकारी नहीं है। कि तो प्रभु जी ने बताया कि हम लोग को ये देखना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी पर्टिकुलर चीज में सर्वश्रेष्ठ है,
कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी पर्टिकुलर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो आके उसको हराने वाला है। तो प्रभु जी ने रावण का आंसर दिया कि रावण के सामने सभी देवी देवता भी रावण को डरते थे, उसी रावण को कार्तिवीर्य अर्जुन ने मच्छर बना के रखा था, उस कार्तिवीर्य अर्जुन ने को परशुराम ने आराम से हरा दिया था। तो ये देखते कि रावण को मतलब मानते कि द मोस्ट काइंड ऑफ फिरोशियस, या फिरोशियस नहीं बोल सकते बट लर्नेड होने के बावजूद भी बहुत बड़े वीर थे, बहुत पराक्रमी थे। उस रावण को कार्तिवीर्य अर्जुन ने मच्छर बना के रखा था, मच्छर मतलब इतनी उसकी मतलब औकात उसकी इतनी गहरा की थी, उस कार्तिवीर्य अर्जुन को परशुराम ने आराम से हराया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते कि कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी भी चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है, तो भगवान हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है। तो वो चीज को हम लोग को सच्ची में समझना चाहिए कि ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड है, या इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, या इम्पोर्टेंट भगवान के बारे में बताया गया चीज है। सिक्स ऑपुलेंसेस हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो सिक्स ऑपुलेंसेस के अलावा भी अगर हम लोग कुछ रहेंगे तो भगवान उसमें सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जहां पे भगवान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो विदुर काष्ठा के बारे में प्रभु जी ने और थोड़ा कहा था कि महाभारत के मतलब जैसे बताया कि हाँ, तो वो तो डिस्कशन हो गया था कि दुर्योधन ने ये इसको माना नहीं था कृष्ण को, लेकिन अर्जुन ने उनको माना था। तो यहाँ पे हम लोग और भी एग्जाम्पल देते कि ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा जी जो इंटेलिजेंस से बने हुए, वो ब्रह्मा जी भी सम्मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जो इंटेलिजेंस से बने, हमारा तो इंटेलिजेंस हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते कि कितना इनसिग्निफिकेंट है ब्रह्मा जी के सामने, वो ब्रह्मा जी खुद सम्मोहित हो जाते हैं भगवान को जानने के लिए। तो हम कहां से भगवान को जान पाएंगे, और हम लोग फिर भी हम लोग सोचते कि भगवान नहीं है, और उस लेवल पे हम लोग अपना डिस्कशन करते और उसके ऊपर हम लोग एक्चुअली आर्ग्यूमेंट करते और बड़े बड़े सेमिनार लगाते कि भगवान नहीं है करके, और वो सेमिनार फुल हो जाता है और फिर लोग ताली बजा के ऐसे लोगों का स्वागत मतलब उनको सत्कार करते हैं। और फिर आगे के बारे में आगे जो हम लोग देखें कि यदुकुल को जो वंशी है वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि उनके लिए वो उन्होंने कभी उसको भगवान के लेवल पे समझा नहीं था। जो वैकुंठ जो गोलोक वृंदावन थे या जो वृंदावन में जो भगवान के साथ आए थे, उन्होंने कभी भगवान को भगवान नहीं माना था, क्योंकि उनके लिए वो अल्टीमेट थे। मतलब अल्टीमेट था मतलब वो इतना सखा करते, मतलब उनका वो इतना जैसा सखा था कि एवरीथिंग इज कृष्णा उनके लिए। मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, पानी पीना, पानी मतलब सांस लेना, पानी पीना, जो सबसे टॉपमोस्ट चीज रहती है आदमी की जिंदगी के लिए, उससे भी इम्पोर्टेंट उनके लिए कृष्णा थे। तो वो कृष्णा को दोस्त मानते थे, तो कृष्ण भी उनको अपना दोस्त मानता था। तो गोपी जब भगवान को अपने प्रियकर मानते थे, तो भगवान ने भी उनको अपना प्रियकर माना था। तो वो लोगों का जैसा हम लोग देखते कि वो लोग क्या लेवल पे भगवान की भक्ति करते। और फिर प्रभु जी ने बताया कि यदुकुल में भी ऐसे काफी लोग थे जो उन्होंने भगवान को भगवान माना नहीं था, वो भगवान को समझ ही नहीं पाए। मतलब वो उनके लिए यदुकुल में होने के बावजूद भी वो भगवान को भगवान नहीं मान पाए थे उनको ने। तो यहाँ पे वो प्रभु जी कहते कि कृष्ण की लीला है। तो इसके लिए फिर सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे कि मैं प्रणाम करता हूं, मतलब सुखदेव गोस्वामी जैसे जो महान पंडित और महान कृष्ण के भक्त है, वो क्या करते हैं, बार बार प्रणाम करता हूं मैं, नमो नमः, मतलब कंटिन्यूस प्रणाम कर रहा हूं उसको। तो जब सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त कंटिन्यूस प्रणाम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब हम लोग जो प्रभु जी ने ये पर्टिकुलर चीज को इस तरीके एनालाइज किया था कि ये जो है कि मैं उस भगवान को सादर प्रणाम करता हूं कि जो यदुवंशी में अल्टीमेट थे, जिनको यदुवंशी भी नहीं समझ पाए, ठीक है। मैं जो भौतिक जो आध्यात्मिक ऐसे जगत में वो सबके स्वामी है, लेकिन जो भक्त है वो उनको अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अभक्त उनको नहीं समझते, उसके भी उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन किया। जो वैकुंठ स्थित है और जो एक्चुअली वृंदावन को कभी छोड़ते नहीं है, वो उसके बारे में हम लोग ने वो काफी स्टोरी सुनी है कि भगवान जब भगवान का जब जन्म हुआ था
वो जो भगवान थे जो वसुदेव के उधर जन्म थे वो विष्णु तत्व के कृष्ण थे, और जो वसुदेव श्री कृष्ण थे, और जो उसी टाइम समय जब नंद के उधर जब यशोदा के से जो कृष्ण वहां पे भी जन्म लिया था वो एक्चुअली श्री कृष्ण तत्व वाले श्री कृष्ण थे। तो जब वसुदेव वहां पे उनको जब लेके गए श्री कृष्ण को, तो वो दोनों श्री कृष्ण ज्वाइन हो गए थे, और फिर वो दोनों विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व ने उन्होंने वहां पे लीला की थी। तो जो जो मार रहे थे, लाल गोविंद प्रभु जी बता रहे थे कि जो मार रहे थे असुरों को वो विष्णु तत्व वाले कृष्ण मार रहे थे, और जो लीला कर रहे थे गोपियों के साथ और प्यार कर रहे थे सभी के साथ वो कृष्ण तत्व वाले कृष्ण थे। तो वो डिफरेंस है। और जब अक्रूर कृष्ण को जब मथुरा लेके गए तो वो सिर्फ विष्णु तत्व वाले कृष्ण को लेके गए, और जो कृष्ण तत्व वाले कृष्ण वहीं पे थे, वो वृंदावन से निकले ही नहीं। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैकुंठ कभी छोड़ के जाते नहीं, वैकुंठ में ही वो भोग करते हैं, और उनका कोई भी उनके जैसा कोई नहीं है, और उनसे ग्रेट कोई नहीं है, उनसे दिव्य कोई नहीं है, उनसे मतलब उनके उतना भी तो कोई नहीं, तो उनसे ग्रेट होने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग अभी एक्चुअली थोड़ा टाइम हो गया है, फिर भी जस्ट एक हाई लेवल पे हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है ये जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, और जो आध्यात्मिक जो मतलब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो ग्रह है और भौतिक जो ग्रह है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि भौतिक ग्रह को भी आज हम लोग अभी तक हम लोग साइंस जान नहीं पाए, तो स्पिरिचुअल तो बहुत दूर की बात है, और भौतिक ग्रह को भी अगर वो जान भी लिए, वो अगर पहचान भी लिया, बहुत साइंस का अगर ये कर भी लिया, तो भी वो एक लिमिट तक जाएंगे उसके पक्ष नहीं, क्योंकि आज भी यूनिवर्स एवर एक्सपांडिंग के हिसाब से साइंस बोल रहा है वो कभी, और साइंस को दूसरा यूनिवर्स है वो एक हल्का सा झांकी लग रहा है, वो मान अंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो खातरी से मतलब 100% नहीं बताते, जबकि अपने आध्यात्मिक इसमें बताते कि जो अपना यूनिवर्स है उस पर मल्टीपल लेयर्स से यूनिवर्स को बनाया गया है, तो वो लेयर्स को तोड़ के दूसरा यूनिवर्स देखना इम्पॉसिबल है। तो ये जो साइंस पे प्रभुपाद जी वही बोले कि हम लोग उन पे क्या भरोसा रखेंगे। और फिर वहां पे प्रभुपाद जी ने वो एग्जांपल भी दे दे कि जैसे आध्यात्मिक जगत आकाश जो है वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, गोलोक वृंदावन में वो तद न तद भाषे सूर्यो न शशांको न पावका करके बाद में प्रभु अपने श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बोलते ही है कि मेरे गोलोक वृंदावन में मेरे धाम में कोई सूर्य नहीं है ना कोई हवा है, और तो मुझे किसी की जरूरत नहीं कि हम आई एम सेल्फ ग्लोइंग, मतलब ये हम लोग सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया है। तो हम लोग को एक्चुअली ये चीज को मतलब ध्यान में रख के देखना है कि वैदिक कॉस्मोलॉजी और साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी में बहुत डिफरेंस है, और साइंस के आधार पे अगर हम लोग अपने विचार को लगाते बैठेंगे तो हम लोग डेफिनेटली गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और वो हम लोग को वहां से निकलना है, क्योंकि भौतिक जो वैदिक कॉस्मोलॉजी और जो अपने भागवत में जिस तरीके से ब्रह्मांड की निर्मिति और ब्रह्मांड के बारे में जो बताया गया है विच इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो हम लोग को 100% ट्रू करके मानना है। और ये जो चीज है कि साइंस जिस तरीके से भगवान को आगे भगवान को ना मान के खुद के ही थियरम्स पे और खुद के ही कंक्लूजन्स पे वो अगर बिलीव करेंगे तो फिर हम लोग डेफिनेटली, और हम लोग अगर उन पे बिलीव करने लगेंगे तो हम लोग फिर डेफिनेटली हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो फाइनली जो हम लोग प्रभुपाद जी का वो जो श्लोक जो हिरण्य में है ना पात्रेणा, उसका थोड़ा वो पढ़ के हम लोग मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक है, और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है, और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस अवगुंठन को हटा के जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप को का दर्शन कर सकूं। तो यहाँ पे वो मतलब जो भक्त है वो भगवान से बता रहा है कि आपका जो ब्रह्म ज्योति का जो आवरण है वो आवरण आप हटाइए ताकि मैं आपको प्यार से देख सकूं।
एक्चुअली अभी ये पर्टिकुलर जो श्लोक का जो मैंने अपने हिसाब से समझ लिया है उसको मैं अभी विश्राम देता हूँ। मेरे से अगर कुछ गलती अगर हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया प्रभु, जैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड था बट ऑल द पॉइंट्स वर नाइसली पुट अप, बहुत अच्छे से ये था इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण, ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। शुभ कृष्ण प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। या थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बढ़िया आपका आज क्लास था प्रभु। एंड आपने एक एक टॉपिक के ऊपर अपना आपने टच किया, जैसे फेथ के ऊपर भी आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु। एंड थैंक्स टू सुबल कृष्ण प्रभु जी कि आपने उनका ये जो उनका लेक्चर जो ये करके आपने समझाया प्रभु, इट वॉज वेरी नाइस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा, शुभ कृष्णा प्रभु जी की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सनातन निताई प्रभु। प्रभु जी बहुत क्लास था, एक एक सब उदाहरण इतने ध्यान से सुन रही थी, ऐसे लग रहा था बहुत चलता रहे, बहुत मतलब जो समझ में आ जाएगा ना, इस तरह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियरली सरल तरीके से एग्जाम्पल देते हुए समझाए प्रभु। और प्रभु एक प्रश्न ये था कि जो आपने जैसे बताया, जब जो देवकी नंदन के पास जो भगवान कृष्ण अवतार में आए और उधर जो उधर थे यशोदा मैया सॉरी देवकी देवकी नंदन वहाँ पे विष्णु तत्व बने और यशोदा मैया के पास कृष्ण बने, तो जब वसुदेव उनको ले जाते हैं और तब वो दोनों कृष्ण एक हो गए थे, फिर उसने उसमें आपने बताया कि जो जो असुरों को मार रहे थे वो विष्णु तत्व थे और जो वृंदावन में ही थे भक्तों के साथ प्रेम लीला कर रहे थे वो कृष्ण तत्व के भगवान थे। तो प्रभु उसमें आपने बताया कि जब वो ज्वाइन हो गए थे, एक ही बन गए थे, तो एक ही हो गए थे तो फिर वो अलग अलग कैसे हो गए? मतलब उधर मतलब सिर्फ लीला करने के लिए, असुरों को मारने के लिए वे अलग हो जाते हैं क्या? मतलब उधर अलग उधर अलग। हरे कृष्णा माता जी एक्चुअली ये सब इतना बड़ा सवाल गोपी मनो प्रभु जी और कुंजेश्वरी माता जी जो इतना व्रजप्रिय माता जी जो एकदम सीनियर डिवोटीज है वो बता सकते हैं। माता जी जस्ट एक मैं जो जान लिया हूँ उसके लिए बताता हूँ कि ये एक्चुअली लीला है माता जी। हम लोग देखने के लिए हम लोग कौन किसको मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हम लोग को लगता है कि देर आर टू डिफरेंट पीपल, लेकिन वैसा नहीं है। भगवान जो है उसके जो और वो प्योर कृष्ण जब आते हैं तो उनके पास तो अमर्याद बोलते हैं ना ऑपुलेंसेस, अमर्याद ताकत है, मिरेकल्स बोल सकते हैं, अमर्याद है। तो उनको ये सब चीज मतलब बहुत सिंपल है कि विष्णु तत्व से इसको मारना और कृष्ण तत्व से प्यार करना, क्योंकि लाल गोविंद प्रभु जी बताते कि कृष्ण कभी किसी को मारते नहीं है, कृष्ण से प्यार करते हैं और विष्णु जो है वो दंड करते हैं गलत लोगों से। तो उसके लिए काम जो मारने का काम विष्णु तत्व ने किया और प्यार करने का काम कृष्ण तत्व ने किया, दोनों एक ही रूप से हो रहा था लेकिन टू डिफरेंट वैरायटीज। मतलब हम लोग अभी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी अगर देखते हैं इंसानों में तो स्प्लिट पर्सनैलिटी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कुछ अलग करती है, दूसरी पर्सनैलिटी कुछ अलग करती है। तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे वो स्प्लिट पर्सनैलिटी, यहाँ पे ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी कैन डेफिनेटली एक्ट एज मतलब वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं माता जी। ये मतलब ये मेरा खुद का मतलब जो मेरी समझ है गोपी मनोहर जी और फिर बाकी वरिष्ठ
आप कुछ बता सकते हो तो प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण या हरे कृष्ण। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, इसके लिए आई नेवर पिक अप दिस टॉपिक। तो या दिस इज इनकंसीवेबल, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और काफी डिटेल में जो है, मतलब इतने सारे बुक्स हैं, भागवतम है, वो चैतन्य चरितामृत है, वो सब समझेंगे तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग टच कर पाएंगे। तो अभी आई थिंक इस स्टेज पे इसको समझना मुश्किल है। सो या जो तथ्य है उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज, या ऐसा होता है, ये कैसे होता है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भगवान का हमारे पर कृपा होगा तो ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू गोपीनाथ प्रभु जी, थैंक यू सनातन नेताई प्रभु जी। आपने भी बहुत अच्छे से छोटा एग्जांपल देके वो स्प्लिट पर्सनालिटी का जो एग्जांपल दिया था आपने, उसमें से भी हमको समझ में आता है कि ह्यूमंस में भी ये होता है। देखते हैं वो हमको स्कूल में बताया था कि ह्यूमन जो इंसान है वो भी कभी कभी स्प्लिट पर्सनैलिटी के शिकार होते हैं, और फिर वो कुछ एक पर्सनैलिटी एक अलग काम करती है दूसरी पर्सनैलिटी। तो भगवान में क्यों नहीं होगा, हम भी तो भगवान से ही आए हैं। तो ये एग्जांपल भी उसमें से भी हम समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। खाली ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाला है, आई जस्ट वांट टू टेक दिस टॉपिक। एक्चुअली हम लोग को लिटरली नहीं लेना चाहिए कि ये जो जैसे मटेरियल वर्ल्ड में स्प्लिट पर्सनालिटी होता है वैसे भगवान का भी होता है। मटेरियली जो स्प्लिट पर्सनालिटी है वो एक, मतलब किसी किसी में दो होते हैं, किसी किसी में दस होते हैं। तो एक केस था जिसमें एक ही व्यक्ति में 23 पर्सनालिटीज थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, मटेरियली हम लोग को ये देखना है कि स्प्लिट पर्सनालिटी में जो एक पर्सनालिटी जब आता है तो जो दूसरे होते हैं, समझो किसी के अंदर चार पर्सनालिटीज हैं तो बाकी तीन का पता नहीं होता, और वो बाकी जब चौथा आता है तो पहले को पता नहीं आता, जब तीसरा आता है तो बाकी के चार को ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान इज नॉट लाइक दैट। ही नोस वो कौन सी पर्सनालिटी से क्या काम करा रहे हैं, क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी नाइसली हैंडल्ड बाय हिम। बस वही है कि वो डिपार्टमेंट जो है राक्षसों को मारने का, ही इज गिवन इट टू लॉर्ड विष्णु। तो वो वाले जो जो है फॉर्म वो करते हैं, तो बाकी कृष्ण अपने बस रासलीला करते हैं। तो इस लाइट में भी हम लोग को अच्छी तरह समझना चाहिए, वी शुड नॉट टेक लिटरल एग्जांपल ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी। प्रभु ने खाली खाली एक एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे मटेरियल हो सकता है तो we should understand it proper context। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब वही मैं बता रहा था कि इंसानों में वो स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है और वहां पे तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, तो ही कैन डू एनीथिंग प्रभु जी। मैं समझ गया, बट वही आई जस्ट वांटेड जया टू अंडरस्टैंड। या मतलब जो भी सुन रहे हैं एवरीबॉडी, क्योंकि स्प्लिट पर्सनैलिटी शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा क्या होता है, बट इट्स ए साइंटिफिक एक क्या बोल रहे हैं टेक्निकल बीमारी है एक। तो मतलब भगवान जो है वो मतलब इज नॉट सफरिंग फ्रॉम सम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्चुअली इट्स ए डिसऑर्डर। या वी शुड अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। या ही इज हैविंग लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज, वो कभी नरसिंह बनते हैं, कभी वामन देव बनते हैं, बट ही नोस हर पर्सनैलिटी जो है, फाइनली कृष्णा नोस कि मैं किससे क्या काम कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। सो ही नोस दैट। सो इन दैट लाइट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गोपीनाथ प्रभु जी। मतलब इसमें से हम ये समझ सकते हैं ना कि वो जो लोग हैं
भगवान को पता ही होता है कि क्या किस रूप में से मैं क्या नरसंहार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने बताया कि डिसऑर्डर होता है, पहले तो प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने ये जो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा सिर्फ दो, एक ही इंसान में दो ही स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, लेकिन क्योंकि ये डिसऑर्डर है तो अलग अलग हो सकता है, ये भी मुझे पता नहीं था। थैंक यू आपने प्रभु ये भी बताया, आज मुझे ये पता चला कि इतनी सारी पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, और हम बोल सकते हैं कि उनमें लोगों को, इंसानों को, जीवात्मा को होश नहीं रहता, लेकिन भगवान को होश होता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस अवतार से क्या काम करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सनातन प्रभु जी, आपने ये पॉइंट उठाया, तो आज हमें गोपी मीरा प्रभु जी से ये भी पता चला कि इसमें फर्क क्या है। तो थैंक यू प्रभु जी, आप दोनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी को क्वेश्चन नहीं है तो खाली एक जस्ट वांटेड सनातन नेता प्रभु टू एलैबोरेट ऑन वन पॉइंट। जैसे अगर हम पिछला श्लोक देखें तो वहां पे भगवान जो कहते हैं ही इज मर्सीफुल टू नॉन डिवोटीज, उनका भी उद्धार करते हैं, और आज के श्लोक में वो बोल रहे हैं कि इज प्रॉब्लम फॉर नॉन डिवोटीज। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, मतलब जो लिंक में पड़ेगा तो ही विल गेट कंफ्यूज्ड, अरे इधर बोल रहे हैं कि तो उनका भी उद्धार करते हैं, इधर बोल रहे हैं इज प्रॉब्लम फॉर नॉन डिवोटीज, सो वो कैसे समझे हम लोग, कैन यू एलैबोरेट दैट प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मुझे पूछ रहे हो एक्चुअली मतलब जो हम लोग ने वो जो देखा कि मतलब बात किया था कि वो समस्या जो भगवान बोल रहे हैं अभक्तों के लिए, भगवान समस्या है, तो वो ही मैं बताया था कि एक्चुअली भगवान प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नॉन डिवोटी से है, जो नॉन डिवोटीज भगवान को मानते नहीं, प्रॉब्लम उनसे है, भगवान से प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान जैसे सुहृद सर्वभूतानाम, वो सबके लिए सुहृद है, वो जो मानने वाले पे है। अगर कोई मैं मानना ही नहीं चाहता हूँ, जैसा वो बेटा बोल रहा है कि मैं पापा का हाथ पकड़ने का, हाथ पिताजी का हाथ पकड़ने ही वाला नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलने वाला हूँ, तो उसके लिए पिताजी कुछ नहीं कर सकते। और जो पिताजी का हाथ पकड़ के उनको जकड़ के चल रहा है, उसमें पिताजी उसको मदद कर रहे हैं, वेरी सिंपल। तो मतलब उसमें उस एंगल से अगर देखेंगे तो वो समस्या मतलब भगवान के तरफ से नहीं है, वो नॉन डिवोटीज की तरफ से समस्या है। हरे कृष्ण। या थैंक यू मतलब जस्ट जो लिंक में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आई जस्ट वांटेड टू स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट, भगवान जो है भगवान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होता, वो नॉन डिवोटी होता है या असत होता है, कि वही जो है ये सोचता है कि अरे मुझे ये गलत काम करना है, मुझे करने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो जो गलत काम है उसके लिए वो ये सोचता है कि यही सही काम है। जैसे रावण जो था, फीसीज मेंटेलिटी, वो हर किसी मतलब जो भी फीमेल दिखती थी उसको पहले उसको उठा लेता था वो, तो उसके लिए वो काम सही था, और इसमें जब बाधा आती थी तो ही शुड गेट वरीड, अरे यार मेरे को काम करने क्यों नहीं मिल रहा। जैसे जो कार्तिवीर्य अर्जुन का जो कार्तिवीर्य अर्जुन ना, व्हाट वाज हिज नेम प्रभु, व्हाट यू सेड, जिसने कार्तिवीर्य अर्जुन, हां कार्तिवीर्य अर्जुन, तो वो जब अपने रावण जब अपने सारी जो रानियां थी या जो भी उनके साथ जो स्त्रियां थी वो उस नदी में जब नहा रहा था, मेरे को यार नाम याद नहीं, आई थिंक इट वाज सम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो वो जब नहा रहा था तो ऊपर कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने सहस्त्र भावों से पूरा रोक दिया, बांध बना दिया, जब पानी नीचे नहीं आया तो बोला अरे मेरे को तो मजा करना है, लेकिन ये पानी कहाँ अटक गया, और वहां पे उसका ईगो खटका और वो जाके फिर कार्तिवीर्य अर्जुन से लड़ाई करता है वो। सो या इट इज करेक्ट कि नॉन डिवोटीज दे फ्रॉम देयर साइड इट इज प्रॉब्लम ऑलवेज, वो ये सोचते हैं कि भगवान मुझे ये क्यों नहीं करने देते, मुझे वो क्यों नहीं करने देते, सो फॉर दैट दे थिंक भगवान इज ए प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मुझे अपना इंद्र तृप्ति करने नहीं मिल रहा। बट भगवान जैसे हमने देखा इज ऑलवेज सूर्यदम सर्वभूतानाम, इज ऑलवेज मर्सीफुल, और जैसे कल का जो श्लोक था उसमें ये था कि इवन सत के लिए तो है ही मर्सीफुल, असताम के लिए भी इज वेरी मर्सीफुल। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइसली आंसर्ड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
और ये पॉइंट मैं इसके लिए उठा रहा हूँ क्योंकि वी शुड, जैसे प्रभुपाद, जैसे आपने भी बोला, प्रभुपाद भी हमेशा बोलते हैं, मैं भी स्ट्रेस करता हूँ, वी शुड स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली. तो एक लिंक का दूसरे लिंक, मतलब एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या लिंक है बहुत अच्छे समझना है. कल सुबाल प्रभु ने भी, इट वॉज वेरी नाइसली लिंकिंग, ये श्लोक का मतलब ये होता है और इसका आंसर जो है ये वाले चैप्टर में मिलेगा. तो दैट लिंक पता होना चाहिए, अगर नहीं है पता है तो विल गेट लॉस्ट. और यही जो हमारा भक्ति शास्त्री स्टडी है, ये हम लोगों को इसमें इट विल बी ए नाइस टूल, हमको काफी है ना हमारा जो है इसमें हेल्प करेगा. तो या एंड आई एम श्योर जब एक बार भक्ति शास्त्री चालू कर देंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ, बिकॉज वी विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट एंगल, तो फिर क्वेश्चंस भी आना शुरू होंगे. अभी पीपल जस्ट हियर, बट रियल थिंग विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट. अरे ये भगवान ने यहाँ पे ऐसा बोला तो इधर ऐसा क्यों बोल रहा है, यहाँ पे ये है तो वो. तो वी शुड स्टार्ट एनालाइजिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी. आपने एक्चुअली वो काफी प्रॉपरली हाईलाइट किया है, मतलब आगे चल के वो इस चीज को थोड़ा सा बारकाई से देखूंगा प्रभु जी. हरे कृष्ण.